रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें और रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए। जैसे कई गानों में अपने शर्मीले अंदाज और नजाकत से लोगों का दिल चुराने वाली एवरग्रीन एक्ट्रेस मुमताज को भला कोई भूल सकता है क्या, जिनके नूर से चेहरे ने कई जवा दिलों की धड़कन को बेकरार कर दिया था। और यही तो वो दौर था जब लोग इनकी फिल्मों को देखने के लिए झट से खींचे चले आते थे। लेकिन समय के साथ साथ इस खूबसूरत अभिनेत्री ने बॉलीवुड की चकाचौंध से बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर अपने निजी जीवन में बिजी हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज इनकी फैमिली कहाँ है और इनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और वो सभी क्या कुछ करते हैं? अगर आप भी इस एवरग्रीन एक्ट्रेस की फैमिली से रूबरू होना चाहते हैं तो बस हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही इस खूबसूरत अभिनेत्री के लिए वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ था और इसी वजह से इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई भी यहीं से पूरी की है। अगर बात की जाए उनके एक्टिंग करियर की तो इन्होंने घर की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक न रहने के कारण महज 12 साल की उम्र में ही फिल्म सोने की चिड़िया से इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, जिसके बाद इन्होंने टीनेज में भी काफी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए लेकिन इन्हें कोई पहचान तो नहीं मिली। लेकिन इनकी किस्मत तब खुली जब अभिनेता दारा सिंह की बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री हुई, क्योंकि उस दौर में अभिनेता दारा सिंह के साथ कोई भी अभिनेत्री काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती थी। तब इन्होंने डिसीजन लिया कि इन्हें ही क्यों ना शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो इन्होंने दारा सिंह के साथ पहली बार साल 1963 में फौलाद में काम किया और इस फिल्म में इनकी जोड़ी को दारा सिंह के साथ तो इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि निर्माता निर्देशक ने इन्हें इनके साथ 16 फिल्मों में हायर कर लिया और उन सभी फिल्मों में काम करने के बाद ये बॉलीवुड की एक सक्सेसफुल स्टार बन गई थी, जिसके चलते इन्हें बॉलीवुड के कई आइकॉनिक सितारों के साथ काम करने का सुनहरा मौका मिला, जिनमें इन्होंने शमी कपूर, देवानंद, संजीव कपूर, जितेंद्र जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ नागिन, चोर मचाए शोर, ब्रह्मचारी, हरे रामा हरे कृष्णा और जैसी तमाम सुपरहिट फिल्मों में काम किया। और अपने करियर के पीक पर आते ही इन्होंने बिजनेसमैन मयूर माधवानी के साथ 1974 में शादी कर ली थी। और हालांकि शादी के बाद इन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में काम करना जारी रखा था, लेकिन साल 1990 के आते आते इन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करने के दौरान ये अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। और इसी बीच इनके घर में 2 बेटियों का जन्म हुआ, जिसके चलते इन्होंने फाइनली इंडस्ट्री से दूरी बनाने का हमेशा के लिए फैसला कर लिया, जिसके चलते इन्हें आखिरी बार 1990 की फिल्म अंधेरी में ही देखा गया था। लेकिन वहीं बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री का परिवार आज कहाँ है, तो आपको बता दें कि अभिनेत्री मुमताज तो आज मयूर माधवानी के साथ फॉरेन कंट्री युगांडा में रहती हैं, जहाँ इनके पति मयूर माधवानी अमेरिका में माधवानी ग्रुप ऑफ कंपनी को चलाते हैं। इसी के साथ साथ वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। इसके साथ ही आज वर्तमान में मुमताज काफी खुशहाल जीवन बिता रही हैं। बात की जाए इनकी दोनों बेटियों के बारे में तो इनका नाम नताशा माधवानी और तान्या माधवानी है। जिनमें पहले बात करें नताशा माधवानी के बारे में तो इनकी ये सबसे बड़ी बेटी है, जो अक्सर लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती है। आपको बता दें कि इनकी शादी बॉलीवुड के दमदार एक्टर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से हुई थी, जो कि एक फेमस एक्टर भी रह चुके हैं, जिन्होंने नो एंट्री, बेबी और प्यार तूने क्या किया जैसी तमाम फिल्मों में काम किया। बता दें कि आज फरदीन खान बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर होकर नताशा माधवानी के साथ ही मुंबई में रहते हैं और आज इस खूबसूरत सी जोड़ी के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा अजेरियस खान और एक बेटी दियानी इसाबेल खान है, जिनके साथ वर्तमान में ये मुंबई में काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। बात करें मुमताज की छोटी बेटी तान्या माधवानी के बारे में तो वो भी अपनी बहन की ही तरह अपने निजी जीवन में व्यस्त हैं, जहां इन्होंने विदेश में रहने वाले फैशन डिजाइनर मार्को शीला के साथ शादी रचाई है और आज उनका एक बेटा भी है जिनका नाम कियान है, जिनका हाल ही में दोनों दंपति ने मिलकर बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज की छोटी बेटी तान्या माधवानी भी विदेश में काफी अच्छे से सेटल हो चुकी हैं और अपनी छोटी सी फैमिली के साथ काफी अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं।
वेल दोस्तों, आपको मुमताज़ की फैमिली में से कौन सा मेंबर सबसे ज़्यादा पसंद आया है, आप हमें उनका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी ही और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।